हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राखी, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागी, आप सभी का स्वागत है। देखिए ये प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखी, आज हम यही सीखेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यस, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक स्लिप नॉट बनाएंगे और 53 सीम्स हम बनाएंगे, तो एक एक काउंट करते चलते हैं और हम अपनी चेन बनाते चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने ये बना ली 53 चेन, हमारी चेन की तो बिल्कुल तैयार है। अब हम हुक से फोर्थ चेन में, यानी तीन चेन छोड़कर चौथी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और वहां पर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे या डबल्स आप कैसे बना सकते हैं, धागा लेंगे, फिर दोबारा धागा आगे करके दो फंदों का एक और फिर दो फंदों का एक। अब यहाँ पर ये हमारे दो डबल क्रोशे काउंट होंगे। अब इसी तरह से हमें डबल क्रोशे बाकी सारी चेन में भी बनाने हैं, तो हम बाकी सारी चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और तो हमारे टोटल 51 डबल क्रोशे हो जाएंगे यहाँ पर 50 चेन के। और जो हमने थ्री चेन पहले छोड़ी थी उसका एक डबल क्रोशे, ये 53 डबल क्रोशे हमारे इस तरह हो जाएंगे। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरी कंप्लीट कर लिए हैं डबल क्रोशे, हमारे सारे डबल क्रोशे तैयार हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, चेन बनाकर इस तरह से टर्न कर लेते हैं और फिर हम आगे बुनना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से चेन बनाएंगे और फिर बिना टर्न करे यहीं पर आगे बुनना शुरू करेंगे। तो धागा भी आगे नहीं करना है हमें, सीधे हम नेक्स्ट चेन में, हम जो प्रीवियस चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और दोनों फंदों का एक यानी सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे। फिर इससे पहले वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ये दो धागे हो गए हमारे हुक पर, इन दोनों को बुन देंगे। फिर इससे पहले वाले चेन में ये बुना हमने, इस तरह से हम ये बैकवर्ड सिंगल क्रोशे स्टिच, हम ये स्टिच बनाते चले जाएंगे। तो एक एक चेन में हम इस तरह से डालते जाएंगे और सिंगल क्रोशे बुनते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा एक पैटर्न, उभरा उभरा सा पैटर्न हमारा बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम एक 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 चेन करते जाएंगे और हम लास्ट तक ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए उभरा उभरा हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब इसको हम पूरा आखिर तक इस तरह से बुनेंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल यहाँ तक हम बुन लेंगे, थ्री चेन तक। देखिए ये हमने बुन लिया इस तरह से, ये कुछ उभरा हुआ सा आ रहा है। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे, इस बार हम टर्न करेंगे और टर्न करेंगे हम, देखिए ये इसी तरह से फिर दोबारा एक रो बनाएंगे। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आगे की तरफ तो डिजाइन हमारा उभरा हुआ आ रहा है, लेकिन पीछे की तरफ, ये जो पीछे की तरफ हम बुन रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ डिजाइन उभरा हुआ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही उभरा हुआ डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर भी इसी तरह से एक और रो बना देंगे बैकवर्ड सिंगल क्रोशे की। इस तरह से हम इसे यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। देखिए अब इधर से भी ये हमारा इस तरह से उभरा हुआ है और इधर से भी उभरा हुआ है डिजाइन, दोनों साइड से उभरा हुआ डिजाइन लगभग एक सा बन गया। देखिए पीछे की तरफ हमने धागा ले रहे हैं और सिंगल क्रोशे बुन रहे हैं, तो ऐसे हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट, और फिर मैं आपको दिखा दूँ हमें इसे किस तरह से एक फ्लावर की शेप देनी है। देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।
दोनों साइड से। अब हम थोड़ा लंबा सा धागा छोड़ेंगे और यहाँ से हम इसे कट करके और इसे यहाँ पर सिक्योर कर देंगे नॉट बनाकर। कैसे? हम बस अपना क्रोशिया खींच कर धागे को निकाल लेंगे और इसे टाइट कर देंगे, ये हमारा सिक्योर। अब ये धागा हम सुई पे डाल देंगे, सुई में फिर लेंगे हम इसे धागे को। यहाँ पे मैंने टेपेस्ट्री नीडल ली है और ये टेपेस्ट्री नीडल में हम धागा डाल लेंगे। अब देखिए हमें इसे फ्लावर में किस तरह से टर्न करना है। देखिए ये आगे की साइड है और ये पीछे की साइड, तो हम पीछे की साइड मोड़ना शुरू करेंगे, हमारी आगे की साइड बाहर की तरफ रहेगी। तो ये इस तरह से ये गोल गोल हम मोड़ना शुरू करेंगे, तो घुमाते हुए इसे एक फूल का शेप दे देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी पैटर्न्स वाला एक घना गठा हुआ सा ये एक फ्लावर बन गया है। ये देखिए इसकी अभी शेप बहुत अच्छे से आ गई है, ये देखिए है ना। अब हम इसे पीछे के साइड टर्न करके और इसे अच्छे से हम अपनी नीडल की मदद से इसे सिल देंगे। इसे अच्छी तरह से हम सिल देंगे इस तरह से, धागे को आगे पीछे दोनों साइड से लेकर हम इसे अच्छी तरह से पूरे को सिक्योर कर लेंगे। ऐसा करने में हो सकता है आपके फ्लावर की थोड़ी शेप चेंज हो जाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है या आप उसके लिए परेशान ना होइए, हम उसे बाद में अपनी फिंगर की मदद से ठीक कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे और ये देखिए थोड़ी सी फ्लावर की शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है, या कह लीजिए थोड़ी दब गई है, क्योंकि हम बार बार नीडल को यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम इसे थोड़ा सा सिक्योर कर ठीक कर लेंगे। अब यहाँ सेंटर में आपको थोड़ी कमी सी दिख रही होगी यहाँ फ्लावर, यहाँ सेंटर में हम एक बीट लगा देंगे या एक मोती लगाएंगे। ये देखिए ये ऐसे एक सादा सा मोती, कोई खास वो नहीं है, लेकिन ओहो ये तो यूनिक कर दिया। अब इसे क्या करें? इसके लिए फिर एक हमारे पास ट्रिक है। हमने इस तरह से एक छोटा सा धागा लिया, उसमें गांठ लगा ली है और उसका एक लूप बना लिया। इसमें हमने ये अपनी वूल डाली। अब हमें पता है कि ये जो बारीक सुई है या बारीक निडल है, इसमें आसानी से हमारी सुई चली जाएगी। देखिए ये बिल्कुल आसानी से चली गई, इसे भी क्रॉस करके ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये चली गई है इसमें। तो हम इसे अब इसमें से निकाल लेंगे और मोती को हम बिल्कुल यहाँ पे रख लेंगे और इसमें से हम धागे को निकाल लेंगे और फिर दोबारा से इसे पिरो कर अपनी भूल में और हम इसको अंदर की तरफ डालकर सिक्योर कर लेंगे। देखिए ऐसा सब सिलने में आपकी थोड़े से फ्लावर की शेप चेंज हो रही है, या आप कह सकते हैं कि शेप खराब सी हो रही है, पर कोई चिंता की बात नहीं। पहले आप इसे पूरा तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी शेप को ठीक कर देंगे। तो ये इस तरह से इसे सिक्योर कर लिया हमने। अब देखिए इसकी शेप, अब हम इसको ठीक कर लेंगे। ये थोड़ी उभरा हुआ ये चीज हमने उबार दी, अब देखिए इसकी शेप बिल्कुल सही हो गई है। तो ये हमारी बिल्कुल राखी तैयार हो गई है। अब इसे बांधने के लिए हम फिर से एक स्लिप नॉट बनाकर और यहाँ पर हम कुछ चेन बना देंगे। तो आप जरूरत के हिसाब से 60-70 जितनी चेन चाहिए मतलब इतनी आप बना सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी कम चेन बना सकते हैं। तो ये चेन हमारी तैयार हो गई। अब हम इसके साथ के साथ नीचे की तरफ इसे स्टिच कर देंगे और हमारी राखी बिल्कुल तैयार है। इस तरह से इसे हम स्टिच कर देंगे। तो आपको ये राखी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।